गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड चैप्टर मनी एंड बैंकिंग. हमने अपने लास्ट क्लास में मनी एंड बैंकिंग को रिवाइज करा. हमने उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट थे उन कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस करा. ओके, एंड दैट वॉज फ्रॉम आवर फर्स्ट बुक, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. वो हमारी फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 था. हमने चैप्टर नंबर 1 उससे पहले नेशनल इनकम हमने कंप्लीट करा था. तो दो चैप्टर हम अपने फर्स्ट बुक का कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योर सेकंड बुक, दैट इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो आपकी सेकंड बुक है उसका नेम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये बुक पहले बच्चों 11th क्लास में थी. नाउ दिस इज इन 12th क्लास, तो हमें इसको भी पढ़ना है. ओके, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इसके अंदर जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसे टाइम टू टाइम डेवलप्ड हुई और उन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ी, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स को हम अपने इस बुक में क्लियर करेंगे. तो पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं अपनी बुक का. जो हमारी बुक में यूनिट 6 है, यूनिट 5 तक हमारी फर्स्ट बुक में, देन आफ्टर यूनिट 6, यूनिट 6 में तीन चैप्टर हैं, दैट इज़ फ्रॉम 1947 टू 1919 तक है. पहला इसमें इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आर इंडियन इकोनॉमिक. ओके, एंड सेकंड वन इज़ द इंडियन इकोनॉमी हमारी 1950 से 1990 तक कैसी थी. पहले हम पढ़ेंगे इव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी. एंड देन आफ्टर, जैसे कि हम सभी जानते हैं, वी गेट फ्रीडम ऑन 1947, 1947 में हमें फ्रीडम मिली थी. उसके बाद जो हमारा फाइव ईयर प्लान होता है, उन फाइव ईयर प्लान का भी हम डिस्कस करेंगे. तो जो हमारा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान था, दैट वाज फ्रॉम 1950 टू 1955. ओके, तो 1990 तक, एक्चुअली हम 1950 से लेकर 1990 तक जितने भी फाइव ईयर हमारे प्लान थे, उन सभी प्लान में क्या क्या डेवलपमेंट हुई ड्यूरिंग दिस प्लान. ओके, तो वो सारी चीज़ें हम अपने सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे. एंड देन आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म इज़ अ थर्ड चैप्टर सिंस 1991, उनसे पहले तक के जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनको हम डिस्कस करेंगे. देन यूनिट 7, यूनिट 7 में पॉवर्टी है, रूरल डेवलपमेंट है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. देन आफ्टर यूनिट 8, इसमें हम अ कंपैरिजन विद द नेबोरियर्स, जो हमारे वही नेबोरियर्स हैं उनसे हम इंडिया की कंपैरिजन करेंगे. तो टोटली इसके अंदर हम तीन यूनिट पढ़ने वाले हैं, 6, 7 एंड 8, और टोटल जो हमारे चैप्टर वो होंगे 10. तो हम आज जो स्टार्ट करेंगे यूनिट सिक्स चैप्टर नंबर 1, यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवा ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, इसका जो इंट्रोडक्शन है, पहले हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया प्रेजेंट टुडे इकोनॉमी इज नॉट जस्ट फॉर करंट मेकिंग, इट हैज़ इट्स रूट स्टेप इन हिस्ट्री बिफोर ब्रिटिश कॉलोनिज्म. इंडिया वॉज नोन एज सोने की चिड़िया. जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडिया को क्या बोला जाता था बच्चों? सोने की चिड़िया बोला जाता था. अच्छा, सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? इसके मतलब इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि इंडिया जो है बच्चों, ये एग्रीकल्चर में, इंडिया जो है एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा था और अब भी है इंडिया के अंदर. आज आप देखेंगे तो आपने अर्लियर क्लासेस में स्टडी करा होगा, इंडिया के अंदर जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है वो सबसे ज़्यादा होती हैं. और प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो भी हमारी फार्मिंग वगैरह आती है, ये सारी चीज़ें आती हैं. तो इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था बच्चों, द गोल्डन बर्ड. इंग्लिश में इसको मैं आपको ट्रांसलेट करूँ तो दैट इज़ द गोल्डन बर्ड. गोल्डन बर्ड का मतलब सोने की चिड़िया. द सोल पर्पज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी रूल इन इंडिया, इसीलिए इंडिया के अंदर ब्रिटिश ने क्या सोचा कि हम इंडिया के अंदर जाकर क्या करेंगे, रूल करेंगे. ओके, पहले तो वो बिजनेस के पर्पज से आए यहाँ पर. बिजनेस के बाद उन्होंने क्या करा, वो अपना कहते हैं ना एक सिक्का जमाना, वो अपना सिक्का जमाते गए. ब्रिटिश कॉलोनी रूल इन इंडिया रैपिडली, वो बढ़ता ही गया, एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस. क्योंकि इंडिया के अंदर जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह थे वो इजीली हमें बहुत इजीली मिल जाते थे. तो उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, वो रॉ मटेरियल
पहले क्या होता था, इंडिया से सप्लाई होता था ब्रिटिश के अंदर, देन आफ्टर वहाँ से फाइनल गुड्स प्रिपेयर होकर वो इंडिया के अंदर आता था। उन्होंने इंडिया के उस टाइम पर जो भी रूलर्स थे उन रूलर्स से बात करी कि ऐसा करते हैं कि हम अपना प्लांट जो है इंडिया के अंदर ही प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो रॉ मटेरियल लाने और ले जाने का जो खर्चा होता है ये खर्चा बचेगा, और जो आपके प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो थोड़े सस्ते हो जाएंगे। ओके, तो इन सब चीज़ों को देखकर जो इंडिया के उस टाइम रूलर्स थे उन्होंने कहा चलो ठीक है कि आप ऐसा जो है वो कर लो। ओके, जिसकी वजह से उनको भी लग रहा था कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़े कॉस्ट में कम हो जाएंगे। क्लियर है? तो देन उन्होंने उनको परमिशन दे दी और उन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना इस्टेब्लिश, आपने इसके बारे में हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, तो यू कैन लर्न बेटर बेटर इन हिस्ट्री। ओके, फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी का फीचर क्या था? इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंस इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ मोस्ट पीपल, जो ज़्यादातर लोग थे उनके लिए जो उनके जीने का जो जरिया था, लिवलीहुड का जो जरिया था, जो सोर्स था, दैट वॉज एग्रीकल्चर। वो क्या था बच्चों? एग्रीकल्चर, बिकॉज ऑल आर डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि उस टाइम इतनी इतने ज़्यादा मात्रा में, इतने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, तो दैट्स वाई एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड। इंडिया वॉज द पर्टिकुलरली वेल नोन एज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर क्या था, हाथ से बने हुए जो भी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पर। ओके, इन द फील्ड ऑफ कॉटन की बात करें एंड सिल्क टेक्सटाइल के अंदर बात करें, मेटल एंड प्रीसियस स्टोन की बात करें, तो इसके अंदर जो हाथ से बनी हुई चीज़ें थी, हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी, जो उस इंडस्ट्री के अंदर लोग बाग काम करते थे। ओके, बट उसका क्या होता था, एक तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता था और उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं मिलती थी। ओके, वो महंगे होते थे, तो इस चक्कर में उसको कोई परचेज़ नहीं करता था, तो इसीलिए उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। क्लियर है? वर्ल्ड वाइड हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप वेयर सीन इन ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, द इकोनॉमिक पॉलिसी परपजेज बाय द कॉलोनीज गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर देन। ओके, प्रोडक्शन फॉर द प्रमोमिंग, इसके अंदर जो भी ब्रिटेन वगैरह से जो भी आए हुए थे उन्होंने क्या करा, क्योंकि उनकी चीज़ें जो थी वो क्या थी बच्चों, वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी, क्योंकि मशीन से बनी हुई चीज़ें थी, उसके अंदर ज़्यादा कॉस्ट आती नहीं थी, वो ज़्यादा चीप थी, सस्ती थी। ओके, और वो क्या करते थे, वहाँ से इम्पोर्ट करते थे। क्लियर है? एंड इंडिया के अंदर लाकर वो उनको सेल करते थे। ओके, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो हम अपने जो भी फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, ये तो आज इंट्रोडक्शन था क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, एंड कुछ मैंने फीचर्स के बारे में डिस्क्राइब करा, जैसे कि एग्रीकल्चर क्या था, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ब्रिटिश टाइम के, ब्रिटिश टाइम की जब मैं बात करूँ या उससे पहले की मैं बात करूँ, तो एग्रीकल्चर मेन सोर्स था। ओके, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो भी हमारी टॉक्स होंगी वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर कैपिटा क्यों थी उस टाइम पे, हमारी ग्रोथ रेट कम क्यों थी, इन सभी चीज़ों से लेकर हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बैकवर्डनेस क्या होता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इन सभी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, जब तक आप इसके अंदर कुछ रीड करके स्टडी करके ज़रूर रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।